नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक नई राइस वैरायटी सह्याद्री मेघा के बारे में। अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि सिविल सर्विसेज का जो प्रिलिम्स है उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रिलिम्स कॉमन होता है, शामिल होता है। तो फॉरेस्ट सर्विस के प्रिलिम्स जुड़ने के बाद पिछले 4-5 सालों में एक ट्रेंड देखा गया है कि आईएएस के प्री में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी टफ लेवल के पूछे जा रहे हैं और ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से, और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टडी आईक्यू का आईएएस एग्जाम के लिए उपलब्ध कोर्स अब एक नए अवतार में आप सभी के लिए प्रस्तुत है इन द फॉर्म ऑफ अ स्मार्ट कोर्स। ये स्मार्ट कोर्स आप अवेल कर सकते हैं केवल हमारी ऐप पर। हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसे डाउनलोड कीजिए और इस यूपीएससी आईएएस कोर्स के एक बहुत ही इंटरेक्टिव वे ऑफ लर्निंग को आप एक्सप्लोर कीजिए। और इस कोर्स पर 30th अप्रैल तक ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और ईएमआई ऑप्शंस में सभी प्रकार के पेमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल नाउ। सो प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड चेक आउट दिस कोर्स। कर्नाटक में एक यूनिवर्सिटी है यूएएचएस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल साइंसेज, शिवमोगा नाम के स्थान पर ये राइस वैरायटी डेवलप करी गई है। आइए एक बार शिवमोगा की लोकेशन भी देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में ऑलमोस्ट सेंट्रली स्थित है शिवमोगा, वेस्टर्न घाट्स के बिल्कुल पास में स्थित है ये। यहाँ पर कई डैम्स हैं, तुंग और भद्रा रिवर्स यहाँ के पास में से बहती हैं, दोनों पर डैम बने हुए हैं। बड़े बड़े आपको वाटर बॉडीज यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। दिस इज द भद्रा रिजर्वॉयर, दिस इज द तुंग रिजर्वॉयर और आगे चलकर ये दोनों नदियां मिलकर बनाती हैं तुंगभद्रा नदी। अब आपको कमेंट में एक तो मुझे ये बताना है कि तुंगभद्रा नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, कमेंट में जरा बताइए। और ये याद रखिए कि ये जो रीजन है ये बहुत ही अच्छा राइस प्रोड्यूसिंग रीजन है और ये रीजन वेस्टर्न घाट्स के बिल्कुल ईस्ट में स्थित है। तो एक बार आप वेस्टर्न घाट्स भी देख लीजिए। वेस्टर्न घाट शुरू होते हैं गुजरात के बॉर्डर से लेकर यहाँ पे केरल तक, जहाँ पे भारत की टिप है। तो ये बहुत ही लंबी पर्वत श्रृंखला है वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट, और इन्हीं को सह्याद्री भी कहा जाता है महाराष्ट्र और कर्नाटका के रीजन में। दुनिया भर में चावल एक बहुत ही स्टेपल डाइट है, लगभग दुनिया की आधी आबादी चावल खाती है डेली। और चावल जो है वो कुछ नहीं, एक सीड होता है, एक बीज होता है घास का। इस घास का नाम है ओराइजा सटाइवा। तो ओराइजा सटाइवा एशियन राइस को कहते हैं और इसकी जो अफ्रीकन वैरायटी है इसे हम ओराइजा ग्लैबरीमा भी कहते हैं। और ये याद रखना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अगर कोई अनाज खाते हैं तो वो है चावल, और खास करके दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी डाइट का। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर में चावल की खेती होती है, जो दुनिया में चावल का सबसे बड़ा एरिया है, हार्वेस्टिंग एरिया है। तो चाइना की पैदावार हमसे थोड़ी सी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर 2018 में 169.5 मिलियन मेट्रिक टन चावल का उत्पादन हुआ था, चाइना में 208 मिलियन मेट्रिक टन था। लेकिन हमारे यहाँ जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो चाइना से थोड़ा ज़्यादा है, चाइना की प्रोडक्टिविटी हमसे ज़्यादा है इसीलिए उनके वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये जो लार्जेस्ट हार्वेस्टिंग एरिया है इसके ऊपर 50 मिलियन हाउस होल्ड्स डिपेंडेंट हैं, यानी कि 5 करोड़ घर ऐसे हैं जो डायरेक्टली चावल की खेती पर अपना जीवन बसर करते हैं, और 65% आबादी इस देश की चावल खाती है। एक जमाने में भारत में चावल की कई वैरायटीज हुआ करती थी, ऐसा एस्टिमेटेड है कि 1 लाख से भी ज्यादा चावल की वैरायटीज थी अराउंड 1970। लेकिन फिर क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो किसानों ने केवल जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं उन्हें उगाना शुरू किया, और जो दूसरी पुरानी वैरायटीज हैं जिनमें यील्ड इतनी अच्छी नहीं होती थी उन्हें अब कोई नहीं उगाता। तो कुल मिलाकर आज देश में लगभग केवल 6000 के आसपास राइस वैरायटीज हैं जो किसान उगाते हैं। अब बात करते हैं इस नई वैरायटी की। तो सह्याद्री मेगा वैरायटी डेवलप करी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल साइंसेज, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, और इस यूनिवर्सिटी ने इसका नाम दिया है सह्याद्री मेगा, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द सह्याद्री माउंटेन्स। तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटका में सह्याद्री ही कहा जाता है, उसी के पीछे ये नाम दिया गया है। ये इस वैरायटी का एक फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में जब ये खेत में डेवलप की गई है वैरायटी, उसी का एक रियल फोटो है ये। और इसका डेवलपमेंट पिछले 11 सालों से हो रहा है। एक्चुअली कर्नाटक में जो शिवमोगा और उसके आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर चावल की खेती किसानों ने कम कर दी है। तो चावल का जो रकबा था, यानी कि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन होता है, वो लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर से 1 लाख हेक्टेयर पे आ चुका था जस्ट इन द शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। और उसके पीछे रीज़न ये है कि किसान दूसरी वैराइटीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, जैसे कि अरेका नट, जिंजर, रबर, क्योंकि इनमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, पैसा ज़्यादा है, क्योंकि ये सभी कमर्शियल क्रॉप्स हैं। तो साइंटिस्ट इस तरह की एक वैरायटी ढूंढने में लगे हुए हैं पिछले 10 सालों से जिसमें किसानों को अच्छा पैसा मिले, तो वो इन कमर्शियल क्रॉप्स की बजाय चावल को उगाएं। क्योंकि देखिए ये सारे कमर्शियल क्रॉप्स अच्छा है, किसानों को बहुत प्रॉफिट देते हैं, लेकिन हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए हमें वीट और राइस के प्रोडक्शन पर ध्यान देना आवश्यक है।
तो वहां पर ऑलरेडी एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी थी जिसका नाम था ज्योति। तो ज्योति वैरायटी ऑफ जो राइस है ये भद्रा और तुंगा रिजर्वायर के कैचमेंट एरिया में काफी पॉपुलर है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट तालुक में भी काफी उगाई जाती थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक बीमारी से ग्रसित हो गई जिसे कहा जाता है ब्लास्ट डिजीज। तो ब्लास्ट डिजीज जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है चावल के पौधे का, और फंगस का नाम है पायरिक्युलेरिया ग्रीसिया या फिर पी ओराइजे, आप जो चाहो याद रख लो। तो ये फंगस जो है ये ब्लास्ट डिजीज कराती है, जिसमें इस तरह के आपको निशान स्पॉट्स नजर आते हैं, तो ये जैसे व्हाइट या रेडिश स्पॉट्स नजर आएंगे तो ये ब्लास्ट डिजीज का सिम्टम है, और इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान होता है, लगभग 70% तक फसल खराब हो जाती है अगर किसी खेत में ये ब्लास्ट डिजीज हो गई। तो काफी समय से एक मांग थी कि एक फंगस रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करी जाए, और ये जो सह्याद्री मेगा है ये बिल्कुल फंगस रेजिस्टेंट है। तो सह्याद्री मेगा को डेवलप करने के लिए एक हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग मेथड इस्तेमाल किया, और इसमें एक तो साइंटिस्ट ने ली ज्योति वैरायटी और उसे ब्रीड कराया गया अक्कालू वैरायटी के साथ। तो अक्कालू वैरायटी जो है ये डिजीज रेजिस्टेंट है, और ज्योति वैरायटी जो है ये काफी पॉपुलर है और अच्छी प्रोडक्टिविटी देती है। तो अक्कालू से तो डिजीज रेजिस्टेंस और साथ ही साथ अच्छा प्रोटीन रिच जो जीन्स हैं वो यहाँ पर मिले, और इस हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये नई वैरायटी डेवलप करी गई है। और देखिए इतना आसान नहीं होता है नई वैरायटीज डेवलप करना, आप खुद देख सकते हैं लगभग 11 साल लगे हैं इस पूरी वैरायटी को डेवलप होने में और किसानों तक पहुंचने में। एक और रीजन ये है कि रेड वैरायटी डेवलप करी गई क्योंकि आजकल अर्बन एरियाज में सिटीज में खास करके एक चलन है कि रेड कलर के चावल खाने हैं। चावल कई तरह के होते हैं, ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस भी आता है, लेकिन रेड राइस अच्छा बताया जाता है, हेल्थ के लिए प्रोटीन में काफ़ी रिच होता है, तो इसीलिए हेल्थ सेवी कंज्यूमर्स इस वैरायटी को खरीदेंगे, तो इसका प्राइस भी ज़्यादा हो सकता है, तो इसीलिए ये वैरायटी डेवलप करी गई। अब इसकी क्वालिटीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये जो फंगल डिजीज़ होती है ब्लास्ट, इससे रेजिस्टेंट है, इसका प्रोटीन कंटेंट लगभग 12.5% है जो अन्य रेड राइस की वैरायटीज से ज़्यादा है। इसका यील्ड काफ़ी अच्छा है, 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जो अन्य चावल की वैरायटीज़ रेड राइस की वैरायटीज़ से ज़्यादा है। ये वैरायटी एक मीडियम टर्म क्रॉप है, यानी कि इसे उगने के लिए और हार्वेस्ट होने के लिए बहुत लंबा समय नहीं चाहिए, तो अगर मॉनसून डिले भी होता है कुछ दिन या कुछ हफ्तों से तो मॉनसून आने के बाद इसे उगाया जा सकता है, और ये केवल 4 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी, उसे हार्वेस्ट करके यानी काटा जा सकता है विद इन 4 मंथ्स ऑफ सोइंग। तो ये काफ़ी अच्छा साइकिल है, शॉर्ट नहीं कहेंगे इसे, मीडियम टर्म साइकिल इसका कहा जाएगा। रेड राइस के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। इसका जो लाल रंग है वो एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण होता है। ये एंथोसायनिन कई सब्जियों में और फ्रूट्स में भी पाया जाता है, और जो डाइट स्पेशलिस्ट हैं, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं, वो ऐसा कहते हैं कि इस रेड राइस के खाने के कारण आप इन्फ्लेमेशन, एलर्जी या कैंसर जैसी बीमारियों को भी बचा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर स्टार इसलिए मार्क किया है क्योंकि देखो कैंसर और वेट मैनेजमेंट के लिए कोई प्रूवन रिसर्च नहीं है, बट डेफिनेटली सारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स इसको सजेस्ट करते हैं, ये हेल्दी ज़रूर है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी हाई होता है। तो सह्याद्री मेगा भी एक रेड राइस की वैरायटी है, और लाल चावल की डिमांड ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हेल्थ सेवी कस्टमर्स, तो इसीलिए इसकी अच्छी प्राइस मार्केट में मिलेगी किसानों को। इसकी खुशबू भी अच्छी है, एरोमा भी अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और क्योंकि ये डिजीज़ रेजिस्टेंट है तो किसान इसको उगाने में हिचकिचाएंगे भी नहीं, उन्हें ये डर नहीं रहेगा कि हमारी फसल खराब हो जाएगी ब्लास्ट डिजीज़ के कारण, तो कल्टीवेशन कॉस्ट भी इसमें कम रहेगी। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नई वैरायटी डेवलप करता है तो वो अप्रूव कैसे होती है, वो किसानों तक कैसे पहुँचती है, इसके लिए भी एक पूरा प्रोसीजर है। तो देखिए इसे हम कहते हैं वैरायटी रिलीज प्रोसीजर। तो देश में एक कानून बनाया गया था, सीड एक्ट 1966, बीज को लेकर एक अलग कानून है, और इसी के तहत सेंट्रल सीड कमेटी गठित करी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। तो कोई भी नई एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर वैरायटी है वो सेंट्रल सीड कमेटी के पास करे जाने के बाद ही कमर्शियली किसानों को अवेलेबल करवाई जा सकती है। तो सेंट्रल सीड कमेटी के अंदर 2 सब कमेटी है, एक एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए और एक हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए सब कमेटी बनाई गई है, वही इनके स्टैंडर्ड्स और बाकी सारे मानक तय करती है। इन दोनों कमिटीज़ में ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के आला अधिकारी बैठते हैं, और इन्हीं कमिटीज़ के अप्रूवल के बाद कमर्शियली किसान इन बीजों को उगा सकते हैं, इन वैरायटीज़ को मार्केट में अवेलेबल कराया जा सकता है। तो सह्याद्री मेगा जो है उसे स्टेट लेवल सीड सब कमिटी ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, तो जैसा सेंट्रल लेवल पे होता है वैसा ही स्टेट लेवल पर भी कमिटीज़ होती हैं। तो कर्नाटका की जो स्टेट लेवल कमेटी है उसने इसे अप्रूव कर दिया है। कमेटी ने कहा कि इस वैरायटी का टेस्ट और जो खुशबू है वो काफ़ी अच्छी थी। अब इसे जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा अंडर द इंडियन सीड एक्ट, और ये ऑफिशियली सीड चेन का हिस्सा बन जाएगी। तो जो आने वाला खरीफ सीजन है, इस खरीफ सीजन में किसान इस वैरायटी को उगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।